करके आए, तो लोगों को बाई फ्लॉप के बे का भी पता नहीं था। बहुत से लोग इंट्रोड्यूस हुए थ्रू यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती कभी भी, कुछ ना कुछ हिडन रह जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबायोटिक को कैसे बनाया जाएगा, एरोबिक फ्लॉसिंग, पानी के पैरामीटर्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, पीएच और टीडीएस को तो चलो हम किसी हद तक जानते हैं कि हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह मिल गए तो हमें कुछ पता चलना शुरू हो गया, और हमें तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। और हमारे फिशरी डिपार्टमेंट का देख लें, कभी कोई ऐड आया हो, कोई सेमिनार हुआ हो, किसी ने कोई इंट्रोडक्शन करवाया हो, कोई ऐसी बात नहीं। लास्ट टाइम हम मेरा जाने का इत्तफाक हुआ लाइव स्टॉक की यहाँ एक्सपो में, तो वहाँ जब मैं बैकलॉग के बारे में पूछने की कोशिश की तो सब लोगों ने मुझे कहा तो जानती ही नहीं, हर आदमी मुझे अपना ब्रोशर दे रहा है कि फीड ले लीजिए, सी ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन कोई न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। खैर ये तो एक बहुत लंबी गुफ्तगू है, इसमें हम जाएंगे तो बहुत कुछ गुफ्तगू फिर ख़त्म हो ही नहीं सकती। पहले हम बायोफ्लॉक को फिश फार्मिंग सिस्टम की तरफ आने की कुछ वजूहात मैं आपको बताना चाहूँगा, और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक आसान फहम उर्दू में हम इसको किस तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जहाँ इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं 15 लोग फॉर एग्जाम्पल, और एक इसमें मखसूस इन्वायरमेंट है जिसमें 15 लोग खा सकते हैं, 15 लोग सांस ले सकते हैं, 15 ही लोग जहाँ अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं अगर उनको कैद कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल सॉरी टू से अगर मैं ये कहूँ कि 15 लोगों के साथ 15 लोगों को और ऐड किया जाता है, तो जो बनाने वाला है इसको, जिसने इसको मैनेज किया, वो ये कहता है कि सिर्फ 15 लोग ही आ सकते हैं, मजीद 15 लोगों की गुंजाइश नहीं है। अगर आप उनको ऐड करेंगे तो या तो इस कमरे की लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना होगा, या फिर इसके एनवायरमेंट को चेंज करना होगा। जहाँ 15 लोगों की फराक थी वहाँ 30 लोगों की फराक देनी होगी, जहाँ 15 लोगों को ऑक्सीजन दरकार थी वहाँ 30 लोगों को ऑक्सीजन दरकार होगी, जहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी है, मछली है, मछली को पानी में रहने के लिए एक मखसूस एक पानी चाहिए होता है कि अगर उससे कम पानी होगा तो मछली की ग्रोथ में फर्क आता है, अगर बहुत ज्यादा पानी होगा तो फिर जगह ज्यादा कवर होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लेकिन उसकी हार्वेस्टिंग हम फिर कम रहेंगे। हमने इन तमाम चीजों को बैलेंस करना है। हम बार बार तलापिया तलापिया का जिक्र करते हैं, तलापिया हमारे मुल्क के अंदर उस तरीके से अभी उस पर डिस्कस हो रही थी कि उसका वो जो मार्केटेबल साइज बाहर के ममालिक में है वो मार्केटेबल साइज हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम बड़े बायोमास की मछलियों को पसंद करेंगे। तो हमें आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप कोई कल्चर स्टार्ट करें, कोई एक्सपेरिमेंट करें, आप उन स्पीशीज को लेके आए, उन मछलियों की ग्रोथ करने की कोशिश करें या उसको एक्सपेरिमेंट करें जो आपके उस पूरे रीजन के अंदर या पूरे उस एरिया के अंदर आसानी से बिक सके, फ्रोथ हो सके और उसकी आपको अच्छी आमदनी हो। आप दूसरे ममालिक के अंदर जो मछलियाँ हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे तो वो आप प्रमोट करते रह जाएंगे, उसको मार्केट में आपको उतनी उसकी अर्निंग नहीं होगी। जिस तरह पिछले दिनों ग्रुप में देखे होंगे कि तलापिया के हवाले से बड़ा शोर था कि मुझे इसकी मार्केट साइज जो है वो उस तरह से नहीं है, उसका रेट नहीं मिल रहा और लोग जानते नहीं है और कोई जड़ा मछली के नाम से इसको भी एक बड़ी तबीयत है। पहले हम जरा बायोफ्लॉक की तरफ आ जाते हैं कि बेसिकली बायोफ्लॉक है क्या। जिस तरह आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि इसका तारुफ ये है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का तस्वुर दुनिया में बेसिकली नया नहीं है, और दुनिया के उत्तर हिस्सों में ये चीज़ कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ, मैं झींगे का जिक्र करना यहाँ जरूर समझूंगा। बेसिकली बायोफ्लॉक को तो झींगे के लिए लाया गया था, झींगे का ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। झींगे के लिए हमें डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, वो बड़ा नाजुक सा जानवर है।